तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक डिटेल्ड मंथ वाइज सक्सेस प्लान शेयर करूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो नीट में आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, राइट। और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लोगे ना, तो आप टॉप 100 रैंक या आप एक टॉप मेडिकल कॉलेज तक जरूर पहुंचोगे, 700 प्लस नंबर आप लेके आओगे ही आओगे, ठीक है। तो इतना तगड़ा ये प्लान है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने हर एक चीज को अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड और जितने मैंने टॉपर से बात की पिछले 3 सालों में उसके ऊपर बेस्ड बता रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय एमबीबीएस एट एम्स भोपाल, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में ना मैं कूल बनने के लिए कुछ फेंकूंगा नहीं कि ये कर लो वो कर लो, और आपको गुमराह नहीं करूंगा, एकदम जो पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है वो बताऊंगा, और जो आपको नहीं करना है बताऊंगा कि हाँ यार ये नहीं करना, ठीक है। और जो मैंने किया है और देखा है बच्चों को करते हुए, जो टॉप रैंक लेके आता है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो यार मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके अगस्त से मंथ, राइट, क्योंकि लगभग जो है अपना जुलाई अभी एंडिंग पे है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल तक अपने पास टाइम यहाँ पे होने वाला है, लगभग ये 3, 6 और 9 महीने अपने हाथ में मोटे मोटे तौर पर है, राइट। अब सबसे पहली चीज जो है ना, मैं आपके ये आखिरी के 2 महीने हटा रहा हूँ रिविजन के लिए और टेस्ट के लिए। शायद जिनका बोर्ड्स होंगे, ठीक है, उन लोग को ये लास्ट के कुछ दिन नहीं मिलेंगे, शायद 60 दिन ना मिलके आपको कहीं ना कहीं 50 दिन मिल जाए या 45 डेज मिल जाए, लेकिन ट्राई करना है कि लास्ट के 60 दिन अपने रिवीजन प्लस आपके टेस्ट के लिए होगा। क्या करना है कैसे ना बताऊंगा अभी, ठीक है। अब शुरू करते हैं ऊपर से, राइट। ये अपने पास लगभग हाथ में 7 महीने बचे हैं टोटल, राइट, 7 महीने बचे हैं जिनमें आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है ताकि आप रिवीजन कर पाओ, ठीक है। देखो होता क्या है ना, हम लोग सिलेबस को इतना गंदे वैसे करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ये स्किप कर दिया, वो स्किप कर दिया, और जब लास्ट में आते हैं 2 महीने में, हम सोचते हैं कि अब तो मैं सब रिवाइज करूंगा, तब चीजें याद ही नहीं आती, राइट। तो अभी 7 महीने बचे हुए हैं, कैसे ग्रुपिंग करें सब बताऊंगा, राइट। पहली चीज तो यार तुम्हारे पास स्टार्टिंग के 2 महीने है, अगस्त एंड सितंबर लगभग मान लो, इन दोनों में मैंने क्या किया था ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे पता था, जो ड्रॉपर्स उनको पता होगा, जो ड्रॉपर्स ने उनको पता होगा, जो 11th जिनका हो चुका है उनको पता है कि यार मेरे जीओसी वीक रह गया, तो कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं लिख रखे, देख लो बेसिक चैप्टर्स, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से करो, और इनके एमसीक्यू मैंने इतने लगाए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, कुल बनने के लिए नहीं, ठीक है, मैंने इनके एमसीक्यूज इतने लगाए जिस सोर्स से मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, वहां से लगाए, ताकि मेरे को ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो करने हैं, और जब मैंने चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए मेरे आगे का पूरा रास्ता क्लियर हो गया। चैप्टर कौन कौन से देख लो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, ये केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स है जो मैंने इतने अच्छे से किया था, मतलब तुम्हें लगा कि भैया क्या झूठ बोल रहे हो, लेकिन अकेले जीओसी के ऊपर मैंने 1000+ एमसीक्यू लगाए थे, ये अकेले चैप्टर से मैं इतने अच्छे से, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक एकदम ही वीक, राइट। तो मैंने इसके ऊपर इतने क्वेश्चन लगाए, क्यों, क्योंकि मुझे इस पर एकदम कमांड करनी थी और नीट में मेरा एक भी सवाल गलत ना हो ये करना था, ठीक है। और लगभग मेरे ऑर्गेनिक के टेस्ट में 180 आने लग गए थे इसी वजह से, राइट। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स एंड मैकेनिक्स ये मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया इनिशियल, ये 2-3 महीने में, मतलब मैंने स्टार्ट किया जून से, बट अभी है आपके जो भी जहाँ पे ये पहुँचा हो, आप ये एंश्योर कर लो कि अगले 2 महीने में आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो चाहे वो फिजिक्स की बात हो। अब ये जो है ना सबसे वल्नरेबल पीरियड है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही पे मैक्सिमम बच्चे अपना ट्रैक लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं, कुछ रीजन है। पहला रीजन तो यार ये फेस्टिव सीजन है, ठीक है, दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, और यहाँ पे बच्चे जो है ना बहुत सारी चीजों में और व्यस्त हो जाते हैं, राइट। और एक और चीज जो होती है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, यूट्यूब पे भी लोग एक्टिव नहीं होते, क्लास में टीचर्स उतने एक्टिव नहीं होते, लगता है कि हाँ हो जाएगा, टाइम है। और एक और चीज जो होती है इस समय में वो ये है कि बहुत सारे टीचर्स स्पीड पकड़ते हैं, मतलब तुम मान लो फॉर एग्जांपल कई टीचर अभी तक ऐसे चल रहे थे कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये मंथ आते ही वो स्पीड पकड़ने का ताकि सिलेबस खत्म हो जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, इन मंथ में बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है, जो क्लास में चल रहा है ना वो करते रहो। और एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, देखो हमेशा अपने कोचिंग को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है, किसी को ये देखो प्रिपरेशन ऐसी है ना, तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, किसी को नहीं पता, तो किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, चाहे वो मैं हूं, तुम्हारे टीचर्स हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। मैं कोई बात तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें उस पर सोचना है,
सोच विचार करना है कि भैया क्या ये बात सही बता रहे हैं, मेरे लिए अप्लीकेबल है क्या, है तो जरूर फॉलो करो, राइट। तो ये 3 मंथ अपने चैप्टर जो है खत्म करो फटाफट से, और ट्राई करना है मैक्सिमम बायोलॉजी तुम अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक खत्म करो, मैक्सिमम बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जनवरी में जितना बचा हो, कुछ चैप्टर बचे हो, खत्म कर लो अपने एंड से, राइट। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में के अंदर भी कि कैसे तुम अपने एंड से लेवल को खत्म कर सकते हो, राइट। फिर जैन फेब में क्या करना है, कोचिंग के साथ चलो, ठीक है, जो बता रहे वो करो, जो कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होंगे जो यार नहीं हो रहे तुमसे, बहुत वीक रहेंगे, उनको खत्म करो, और अपने को फेब तक या मार्च के स्टार्टिंग तक लेकर खत्म करना है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ये मत करना कि भैया मैं बस अप्रैल के 15 दिन दूंगा रिविजन के लिए, नहीं, नीट क्रैक करना है ना, मैं तो बता रहा हूँ एकदम अच्छे से। अगर तुम्हें 700+ नंबर लाने हैं ना, तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, प्लस तुम्हें 2 कम से कम मिनिमम रिविजन चाहिए, 2, ठीक है। उसको अपन लोग कैसे प्लान करेंगे, क्या करने से बताऊंगा, राइट। तो ये अपना मोटा मोटा शेड्यूल है। अब इसमें आती है बहुत बड़ी दिक्कत कि टेस्ट को कैसे शेड्यूल करें, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया तुम्हें यहाँ पे, और मैं तुम्हें इसका एडवाइस भी करूंगा। टोटल टेस्ट, एक होता है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ मतलब ये नहीं कि तुम पूरा सिलेबस की बात कर रहे हो, नहीं, पार्ट टेस्ट, लेकिन ऐसे टेस्ट जो 720 नंबर के, कितने नंबर के, 720 नंबर के हैं, मतलब 3 घंटे 20 मिनट तुम बैठ के टेस्ट दे रहे हो। ऐसे टेस्ट लगभग फेब तक 15 से 20 तुम्हें देने हैं कम से कम, ठीक है। 15 to 20 टेस्ट तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे। देखो नंबर वेरी करता है, मेरे पास कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यार फेब तक ही 50-60 टेस्ट दे दिए थे, मैंने अराउंड 25-30 टेस्ट दे, लेकिन 15-20 टेस्ट सफिशिएंट नंबर है। लेकिन ये जो गोल्डन मंथ्स है मार्च अप्रैल, जिनमें आपको 60 दिन मिलने वाले हैं, लगभग 30 टेस्ट तो आपको देने हैं। इसको अपन कैसे प्लान करके बताऊंगा, ठीक है। मैं भी आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा लास्ट के अंदर कि कैसे आप टेस्ट दे सकते हो, इतने टेस्ट, ठीक है, जो आपको कोई शेड्यूल प्रोवाइड नहीं करेगा मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, राइट। इसके साथ साथ एक चीज जो हर कोई छुपाता है और मैंने खुद करी है, सब लोग करते हैं, कि पार्ट टेस्ट की बहुत वैल्यू है। पार्ट टेस्ट मतलब क्या, या तो फिजिक्स की टेस्ट, या केमिस्ट्री की टेस्ट, या बायो की टेस्ट, राइट। 100+ टेस्ट मैंने ये दिए थे पूरे साल भर में। कैसे दिए, हफ्ते में ना, मान लो मैंने इस हफ्ते में मैकेनिक्स खत्म कर लिया, या मान लो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म कर लिया, ठीक है, और मुझे पता है कि मैंने पहले काइनेमेटिक्स कर रखा है, मैंने यूनिट डायमेंशन कर रखा है, तो मेरा क्लबिंग हो गई, यूनिट डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, और तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, राइट। अब इन तीनों को मिला के मैंने एक टेस्ट पेपर ढूंढ लिया और मैंने उसका टेस्ट दे दिया। तो सिंगल मैंने फिजिक्स के ऊपर से कुछ टेस्ट ढूंढ लिया, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के ढूंढ लिया। कहाँ से ढूंढे, टेलीग्राम। मैंने अपने टेलीग्राम पे बहुत टेस्ट प्रोवाइड कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है अपने केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, और बहुत कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। एसोसिएशन के शीट्स हो गए, केमिस्ट्री पॉइंटर शीट तुम्हें दिख रहा होगा, बायो पॉइंटर शीट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सब हमने बनवाए हैं ताकि आपको रिविजन में हेल्प हो पाए और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, राइट। तो ये आपको टेस्ट कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे, या अगर आप क्वेस्ट के यूजर हो, ठीक है। क्वेस्ट हमारा क्या है, अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज है नीट के लिए पूरी, ठीक है। इसमें टेस्ट चल रहे हैं और बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो है तो दिक्कत नहीं है, वरना कोई भी बुक ले सकते हो, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां से करना है बढ़िया जगह से करो, लेकिन करो, ठीक है। तो अपने टेस्ट देने 100 कम से कम पार्ट टेस्ट, राइट। इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे इतने चाहिए तुम्हारे पास फुल लेंथ टिल फेब, और उसके बाद ये 30 टेस्ट होंगे। इसमें कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ 11th के टेस्ट होंगे, 11th फुल सिलेबस, कुछ 12th फुल सिलेबस होंगे, और कुछ तुम्हारे कंबाइंड होंगे। बताऊंगा ये पूरा लास्ट में, राइट। तो अभी दिमाग में क्या फिट करना है कि अगस्त सितंबर अपने को बेसिक्स लेकर चलना है, फिर इनमें जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनको तो करना ही अच्छे से, और स्पीड में अपने बढ़ाना है आगे। मार्च अप्रैल अपने को पूरा निकालना है रिवीजन प्लस टेस्ट के लिए, और टेस्ट अपने को नंबर में बता दे कितना करना है। अपने को रिविजन जो है एक सेकेंड, ठीक है, रिविजन जो है कम से कम 2 मारनी है, राइट। 2 रिविजन कम से कम मारनी है, और एक लास्ट में शॉर्ट रिविजन जिसका मैं पूरा मैं आइडिया दूंगा। इसके बिना सिलेक्शन शायद हो जाए, लेकिन जो आपका नंबर है ना गोल्डन फिगर 650+, वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक करना यार, आप सबका सपोर्ट है, प्यार है, तभी इतना आगे बढ़ पा रहे, और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट और लेके आएंगे, ठीक है। मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, और ठीक है साहब, मतलब जुड़े रहो, आपका जो भी डाउट है कमेंट कर देना, मैं हेल्प करता रहूंगा। और इस साल ना मुझे प्रॉमिस है कि फोड़ के आएंगे,
ठीक है, झूठा प्रॉमिस नहीं चाहिए यार कि नहीं भैया कर सकते हैं कैमरे से होगा, नहीं करके आना है तो आना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।